दौरान देश के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर दिखा रही हैं। किसी भी क्षेत्र में महिला अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस कर रही हैं। उसी कड़ी में मुंबई के स्थित चर्च गेट में कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष अजंता यादव के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी और प्रत्याशियों को जिताने वाले कार्य को लेकर धन्यवाद भी किया गया। साथ ही सोशल मीडिया आम जीवन और राजनीतिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष अजंता यादव मौजूद रही। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। जो झारखंड में आपकी सरकार बनी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आप? झारखंड में अपनी सरकार बनी, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी मुंबई कांग्रेस कमेटी की, तो मुझे मालूम था कि अभी जो मोदी ने जितने आश्वासन दिया हर एक भी आश्वासन उसने पूरा नहीं किया। ओके। खाली बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, धंधे चौपट हो रहे, बंद हो रहे हैं, इसलिए लोग नाराज थे और नाराजी लोगों ने बराबर निकाली और कांग्रेस की झारखंड में गवर्नमेंट आई। हम बड़े खुशी से उसका स्वागत करते हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में, भारत में यह दौर चालू रहेगा जहाँ कांग्रेस से आना है, सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस हो जाएगी। ओके सर, तो अब मैंने सुना है कि आप जब से सत्ता में आए तब से मुंबई में एक सरकार बन गई, आप मतलब महाराष्ट्र में? नहीं, मैं आने से सत्ता में ऐसा गवर्नमेंट बन गया ऐसा नहीं। सोनिया जी गांधी हमारी नेता जो है वो देश के जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई तो गवर्नमेंट बनने लगा है। सब जगह महाराष्ट्र में बन गया, झारखंड में बन गया, अभी जहाँ जहाँ इलेक्शन आएगा वहाँ वहाँ गवर्नमेंट बनेगी। ये सोनिया गांधी का बहुत बड़ा करिश्मा है। ओके सर, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने हमारे युवाओं को या किसी को भी? युवा को तो अभी युवा जो है बैठे कांग्रेस के ऊपर बहुत गुस्सा में थे, कांग्रेस की तरफ देखते भी नहीं थे। ओके, अभी पूरे युवा समझ गए है ये देश को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नेतृत्व आवश्यक है। और गांधी जी, महात्मा गांधी के रास्ते से देश आगे जा सकता है। संविधान का सम्मान करना, गांधी जी के रास्ते पे चलना, हाथ में संविधान का सब ये लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसका साथ में लेके आपको आगे जाना होगा। ये अभी पूरा देश चुनाव संपन्न महिला कांग्रेस की बहुत अच्छी भागीदारी रही, बहुत मेहनत करी है, उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी जिसमें कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी भागीदारी है और कांग्रेस पार्टी महिलाओं की भागीदारी को 50% मानती है, इसलिए आज उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। कौन सी ऐसी समस्याएं सामने आई और कैसे आगे हम आगे की राह कैसे क्या होगी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए महिला कांग्रेस, ये एक किस्म की रिव्यू मीटिंग भी है और आगे का मार्गदर्शन किस तरह से होगा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गायकवाड़ जी ने आज मार्गदर्शन किया और सब महिलाओं की जो समस्याएं थी और जो इनकी अपनी जो राय थी कि आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में। हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के पास खासकर आदरणीय हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस और हमारे आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष गायकवाड़ जी ने आज सभी महिला कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, आज सम्मान देने के लिए और ये हमारी जो सरकार वहाँ विकास मंत्री की जो सरकार आई है उस सरकार में हम किस तरीके से अब जो गरीब महिलाएं हैं जो घर में रहते हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं, जो योजनाएं अब आएंगी जो हमारी सरकार बनाएगी उस योजनाओं में हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को किस तरीके से हम उनको आर्थिक मजबूती या आर्थिक विकास के लिए हमने आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी। और जैसे कहा, जैसे मैडम ने अभी कहा कि सबका हमने धन्यवाद किया, सब महिला कांग्रेस ने पूरी मेहनत से ताकत से खड़े होकर इस जो चुनाव हमारे विधानसभा का चुनाव रहा 2019 का उसमें लड़ाई किया और खासकर हमारा फोकस रहा है कि हम आने वाले समय में और भी महिलाएं कैसे जोड़ें, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके ऊपर चर्चा हुई है और
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी विचार रखा है कि आने वाले जो महापालिका के चुनाव है 2022 उसमें महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि चुनाव अच्छे से लड़ें, और कांग्रेस का झंडा हमारे मुंबई में हर वार्ड में फहराए और कांग्रेस आगे बढ़े, मजबूत हो, संगठन कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का मजबूत हो, इसके ऊपर आज पूरी तरीके से। अच्छा, तो आपने मतलब जो मीटिंग में मैंने अब तक सुना, आपने डिजिटल के ऊपर बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपने बताया नहीं डिजिटल में आप क्या क्या करेंगे कांग्रेस के। डिजिटल मोबाइल ट्रेनिंग से महिलाओं को जो फ़ायदा मिलना है वो ये है कि सबसे पहले वो जो ऐप उनकी माहिती हम देना चाहते हैं, जैसे तेजस ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, इसके लिए हम उनको बताना चाहेंगे कि अगर ये ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वो सिखाएंगे हम उनको कि ये ऐप कैसे डाउनलोड किया जाता है, ये प्ले स्टोर से कैसे लिया जाता है, और उस तरीके से हम इनको गवर्नमेंट की स्कीम्स तक पहुँचाएंगे। गवर्नमेंट की स्कीम जो ऑनलाइन होती है जो महिलाएं नहीं समझ पाती हैं, वो हम ट्रेनिंग देना चाहेंगे अपने महिला कांग्रेस की तरफ से। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, जो हमारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आज वो एक डिजिटल ट्रेनिंग के द्वारा, एक अच्छे से डिजिटल ऐप के द्वारा उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि कि जिस तरीके से हमारे मुंबई में बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है और सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अक्सर वो माँ बहन ये सब की जवाबदारी रहती है कि फैमिली का पूरा डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी का भी हो या अपना फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स जमा करें, तो इस तरीके से हम उनको ऐप्स के बारे में नॉलेज देंगे, जो मैंने एक ट्रेनिंग ली भी और आगे भी लूँगी। और डिजिटली महिलाओं को मजबूती, तो मेरा ये कहना है कि अब हम महिलाओं को और सशक्त करें और मजबूत करें। अच्छा, तो आपने कौन सी सी ट्रेनिंग की बात की, जो आप कौन सी ट्रेनिंग देना चाहती जो महिलाओं को? ट्रेनिंग जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है, उसमें ये ट्रेनिंग है महिलाओं को सशक्त करें, मैंने बताया कि ट्रेनिंग में जैसे डिजिटल मोबाइल पे किस तरीके से हम ऑनलाइन देख सकते हैं सारी, मतलब वही ट्रेनिंग है, मतलब उसके बदले उनको पैसे भी मिलेंगे, मतलब ट्रेनिंग का वो वाला है कुकिंग ट्रेनिंग क्लासेस, कुकिंग ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंक में 500 रुपये भी आएंगे और उसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट मिला जाएगा जिससे आप लोन दे सकते हो, बिजनेस लोन, ये भी